यानी कि संचार, ये आज भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि जब से धरती बनी है तब से ही। कम्युनिकेशन और संचार हर प्राणी के लिए एक ज़रूरी है, और ऐसा कहा भी जाता है कि एक गुड कम्युनिकेशन इज ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी। इसी को लेकर आरएपीजी कॉलेज के जनसंचार विभाग द्वारा एक हफ्ते की वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका मेन मोटिव था कि जो छात्र और विद्यार्थी हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपको बता दें कि जो ये वर्कशॉप है ये एक हफ्ते के लिए आयोजित किया गया है, और आज इसका पहला दिन था, और उस पहले दिन में आज जो मुख्य वक्ता के रूप में बुलाए गए वो थे आरजे अतुल, जो कि माई एफएम रेडियो में सबसे मेन आरजे हैं। तो आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच जी। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक गुड कम्युनिकेटर के लिए आपके क्या पैमाने हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस या अच्छी तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर लेना, या फिर अपनी ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट कर लेना, आपके नज़रिए में क्या है सर? देखिए, मेरे हिसाब से गुड कम्युनिकेटर, जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा कम्युनिकेटर तब बनाते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, आपका क्लियर हो विज़न आप किस चीज़ पर बोलने वाले हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग आपके गेस्चर्स, आप कैसे अपनी बात दूसरे रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कौन कौन से ऐसे हाव भाव, कौन कौन से ऐसा वॉइस का टोन है, कौन कौन सा ऐसे वॉइस की मॉड्यूलेशन है जो यूज़ करके अपने विचार, अपनी बात दूसरे रिसीवर तक, अब दूसरे बंदे तक एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है मेरे हिसाब से। सर, एक आरजे के रूप में हम सबसे ये बेस्ट मानते हैं कि एक आरजे की कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो के अंदर ना आप देख सकते हैं उस चीज़, जो पर्सन बोल रहा है उसको देख नहीं सकते, कोई विजुअल नहीं है, बस एक आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक आरजे के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा भी एक आरजे को बेस्ट बनाने के लिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स, और साथ साथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी एक आरजे को ऐसे फेस करनी पड़ती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों को फील करानी पड़ती हैं, आप सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए वो सारी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, तो जब आप ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी लिसनर जो आपका सुन रहा है वो आपके साथ उसी तरीके से जुड़े। अगर आप आंधी की बात करें तो आपको आंधी का वो माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा अपनी आवाज़ से, अपनी वो सारी चीज़ों से। अगर आप कोई ऐसी खुशी की बात बता रहे हैं तो आपको वो खुशीपन अपनी आवाज़ में झलकाना पड़ेगा ताकि वो लिसनर फील कर पाए, ठीक है। और चैलेंजेस की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। चैलेंजेस तो आते ही हैं शुरू में जब आप किसी भी फील्ड में करें, और धीरे धीरे जितना आप करते जाते हैं आप और बेहतर होते जाते हैं और उन चैलेंजेस से ओवरकम करते रहते हैं। सर, करीब 1927 से रेडियो की शुरुआत मानी जाती है और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, तो एज अ आरजे आप आने वाले टाइम में जो और मीडिया फील्ड्स है उससे कंपैरिजन में आप रेडियो को आने वाले सालों में कहां पर देखते हैं सर? देखिए, जैसा कि आपने बताया, रेडियो की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा रेडियो ने इवॉल्व किया समय के साथ साथ। एक एडेप्शन जैसे कहते हैं ना, कि अगर आपको सर्वाइवल की जब बात आती है तो आपको चीज़ों के अनुसार ढलना पड़ता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडियो ने किया है। आप पहले की बात करें तो आकाशवाणी से लेकर जब से ये प्राइवेट रेडियो स्टेशन आए हैं 2001 से, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है पूरा रेडियो का, तब से लेकर अब तक बहुत चीज़ें बदली हैं और रेडियो ने अपने आप को बदला है। रेडियो आज का, जो अगर हम रेडियो की बात करें और जब रेडियो शुरू हुआ था, बिल्कुल बदल चुका है समय के साथ साथ। जो जनता की डिमांड है, जो लिसनर्स की डिमांड है, उसके हिसाब से रेडियो ने खुद को इवॉल्व किया है। हालांकि पॉडकास्ट जिसे कहते हैं कि आने वाले दिनों का एक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके ऊपर बात होती है। पॉडकास्ट क्या है? एक रेडियो ही है कहे देखा जाए तो। रेडियो का एक, अब वो ना आज के यूथ को हर एक चीज़, पुरानी चीज़ एक नए फ्लेवर में चाहिए, तो वो वाली चीज़ आप रेडियो को ही नए फ्लेवर में देके आप पॉडकास्ट का रूप दे देते हैं। लेकिन रेडियो के, जहाँ तक कि सर्वाइवल की बात है, अभी तक रेडियो सर्वाइव करा है और अच्छे से सर्वाइव करा है, और उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि रेडियो की सबसे अच्छी और सबसे खास बात यही है कि ये 1-to-1 मीडियम है। लिसनर जब आपको सुन रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि आरजे और लिसन के बीच बात हो रही है, तो ये चीज़ सबसे खूबसूरत है। और सबसे अच्छी चीज़ रेडियो की ये भी होती है कि जब भी रेडियो सुन रहे हैं तो ऐसा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आपका फेवरेट गाना कभी भी आपका आके मूड चेंज कर सकता है कि यार ये तो क्या गाना है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है रेडियो की, इसे खास बनाती है, और आई एम श्योर कि इसी तरीके से सर्वाइव जैसे अब तक करता है आगे भी चलता रहेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो आरजे अतुल, जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो रेडियो का फ्यूचर है उस पर भी बात की, और साथ ही उन्होंने अपने सेशन में भी कैसे जो विद्यार्थी वे कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इस बारे में भी बात की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दीप के साथ मैं गरिमा, एसीपी नेटवर्क, पानीपत।